नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है ओप्पो A9 2020 और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर USB कुछ भी काम नहीं कर रहा है या फिर लेआउट आपका इधर उधर हो गया है, तो आप किस तरह से सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। तो सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ चले जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखता है, आपको यहाँ पे चले जाना है। इसके बाद आपको इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन आता है, तो इस पे चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पे वापस से कर देना है, तो आपके मोबाइल की सारी सेटिंग्स यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स रिस्टोर हो चुकी है। अब आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सेट करने का कोशिश करोगे, जैसे कि हॉटस्पॉट, वाईफाई, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो सारी यहाँ पे रीसेट हो चुकी हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ भी आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ है, ना ही एप्लीकेशन, ना ही कोई फ़ोटोज, ना ही कोई मीडियाज फाइल, तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स ओनली रीसेट हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।